मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बात करते हैं ग्वार की। तो एनसीडीएक्स पर ग्वार की कीमतों में काफी लंबे समय के बाद तेजी देखने को इसमें मिली है। बात करें अगर ग्वार के फंडामेंटल्स की, तो ग्वार का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम बताया जा रहा है। मंडियों में अच्छी क्वालिटी का ग्वार उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर ग्वार किसानों ने और व्यापारियों ने स्टॉक किया हुआ है। अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ने की खबरों से भी ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिला है। ग्वार के एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है, जिससे ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार ग्वार में तेजी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत ही है। जिस हिसाब से अमेरिका ने अपने कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है, उससे ग्वार को सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को इसमें मिले, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। अजय केडिया के अनुसार ग्वार गम में 13,000 के लेवल से टेस्ट होते दिखाई दिए हैं और आगे ग्वार गम 15,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वहीं ग्वार सीड में 8,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो ये थी बात कि ग्वार गम में आगे मुनाफा हो सकता है। तो और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।